तो दोस्तों आज का विषय है हमारा समुद्र मंथन कहाँ हुआ था। यदि स्थूल दृष्टि से देखें तो शायद अरब सागर में कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी घटना के सही स्थान का पता करने हेतु उस समय की भौगोलिक स्थिति का पता होना भी जरूरी है। ग्रंथों में गहरे घुसेंगे तो पता चलेगा कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि समुद्र मंथन के समय जलमग्न थे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से भी उस समय नहीं थे। समुद्र मंथन का समय भागीरथी के प्रादुर्भाव से भी बहुत पहले का है। उस समय हिमालय से निकलने वाली नदियां बहुत थोड़ी ही भूमि का निर्माण कर पाई थी। नदियां ही भूमि का निर्माण करती है। इस राष्ट्र के पिता पर्वत है तो माताएं नदियां हैं। अभी भी सबसे प्रसिद्ध डेल्टा सुंदरवन इसी निर्माण का प्रमाण है। तो दोस्तों यह जानकारी पाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आज का विषय है हमारा समुद्र मंथन कहाँ हुआ था। कथा है कि जब समुद्र मंथन की बात उठी तो मंदार पर्वत की मथानी तो बना ली गई, कूर्मावतार के आधार भी दे दिया, लेकिन मथानी के लिए रस्सी कहाँ से लाएं? उस समय सर्वसम्मति बनी कि हिमालय की कंदराओं में आराम कर रहे नागराज वासुकी से ही यह काम करवाया जा सकता है। उनके जैसी बड़ी रस्सी कोई वस्तु तीनों लोक में और चौदह भुवन में कहीं नहीं है। अब समस्या थी कि उन्हें लाएगा कौन। इतने बड़े थे कि वो रेंगते हुए लहरिया स्टाइल में कहीं न कहीं टकराने लगते थे, इसलिए अधिकतर समय आराम ही करते थे। इस पर कैलाशपति उठे और वासुकी नाग को अपनी कलाई में लपेट कर चल दिए। नागराज की डिलीवरी करने के बाद भोलेनाथ एक स्थान पर बैठ गए। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो नागराज को पीड़ा होने लगी। इधर से देवता खींचे, उधर से असुर खींचे, बीच में मंदराचल चुभे। चुभ होकर नागराज से फुफकारना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि जिस नाग को एक पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया गया हो वह कितना बड़ा होगा। नागराज के फुफकारने से समस्त सृष्टि में जहर फैलने लगा, हाहाकार मच गया। एक तरफ तो देवता और असुर भाग खड़े हुए और दूसरी तरफ नागराज निढाल होकर फुफकारते रहे। अब करे तो क्या करे। देवताओं ने मीटिंग बिठाई, प्रश्न उठा कि इस हलाहल को कौन पिएगा। भगवान विष्णु ने बाबा से अनुरोध किए और बोले कि बाबा अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो बाबा भोलेनाथ भोले ही थे, जो भोले होते हैं उनके हिस्से में ही जहर आता है। बाबा उठे और पहले जहर पिया और फिर वासुकी का उपचार किया। तब तक तो धन्वंतरी निकले भी नहीं थे, उनसे भी पुराने वैद्य हैं वैद्यनाथ। बाबा ने हलाहल पी तो लिया लेकिन उसका ताप असहाय हो गया। वहीं एक स्थान देखकर वो बैठ गए। मंथन शुरू हो गया। मंथन से निकले चंद्रमा के एक टुकड़े को तोड़कर निकाला गया और उसे भगवान के सर के ठीक ऊपर स्थापित किया गया। उस टुकड़े से निरंतर शीतल जल महादेव के सर पर गिरता रहा। यह क्षेत्र कहाँ है जहाँ मंथन हुआ था? बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत के आसपास का क्षेत्र ही मंथन का स्थान है, जिसे आज भी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की भूमि में खनिजों का प्रचुर भंडार है। सबका केंद्र मंदार पर्वत ही है। मंदार में अब भी समुद्र मंथन से निकली निधियां छिपी हुई है। भोलेनाथ नागराज को पहुंचाने के बाद जिस स्थान पर बैठे थे वह स्थान है वासुकी नाथ। जिस स्थान पर नागराज का उपचार करने व विष ग्रहण करने के बाद बैठे थे वह स्थान है वैद्यनाथ धाम यानी देवघर।
देवघर में चांद का वह टुकड़ा जो उनके सर पर लगाया गया था आज भी मौजूद है। उससे निरंतर जल टपकता रहता है। वह टुकड़ा भोलेनाथ के ठीक ऊपर मंदिर के शिखर के नीचे लगा है। नाम है चंद्रकांत मणि। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गई हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें।